गर्भवती पीड़ित महिला पूनम निवासी ललई खेड़ा थाना नगराम लखनऊ को उसके पति राजेश कुमार जेठ सास ससुर ने लाठी डंडों से जमकर मारा पीटा। पीड़िता ने जब फोन कर अपने भाई को मारपीट की सूचना दी तो भाई बहन की बात सुन बचाने आया तो पीड़िता के भाई और जीजा को भी विपक्षियों ने बुरी तरह मारा पीटा। पीड़िता जब नगराम थाने में शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने उल्टा बहन को बचाने आए उसके भाई व जीजा को ही थाने के अंदर बैठा दिया। दोनों पक्षों से लोग चोटिल हैं और धमकी देकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। पीड़िता का कहना है कि उसके भाई व जीजा उसके पति व जेठ ससुर ने मारा पीटा है, फिर भी पुलिस दोनों पक्षों की बात ना सुनकर एक पक्ष की बात सुनकर कार्रवाई कर रही है। डरी सहमी पीड़िता गर्भवती महिला थाने पर अकेली बैठी सुलहनामा की बात कहकर न्याय की गुहार लगा रही है। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश वरिष्ठ संवाददाता अनिस अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, कैसे क्या हुआ? सर, हमारे साथ है जो हमारे आदमी है राजेश, हमको मारा लिखा लिखा गिरा गया, लंदन से लाठन से मारा था। हमारे पेट में बच्चा था तो मैंने बोलता तेरे को दवाई पानी नहीं कराता था। हमारे पीछे हमारे भाई बहनों बोले थे, उठा के बंद कर दिया। अच्छा, तुम्हारे पति ने तुमको मारा है? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर तुम्हारे भाई लोग आए तो क्या कहा? भाई लोग हमारे आए समझाने बुझाने के, भाई लोग को इन्होंने बस लाठी डंडा निचला दिया बहनों को, भाई को। किसने मारा तुम्हारे भाई? हमने पति मारी है, हमारे देवर मारी है, ससुर मारी है, जाठ मारी है, अमन मारी है। अच्छा, उसके बाद थाने में किस किस को बंद किया गया? हमारे जीजा को, शत्रुघ्न को और राजेश भाई। अच्छा अच्छा, क्या पुलिस वालों ने क्या बताया है? पुलिस वाले ने क्या बताया, कहना आपकी गलती नहीं है, गलती उसी की है, गलती इसी की है, वो मारे नहीं तो मारे हो और आप अपने वो लगा रहे थे और तो मतलब भाई जो हमारे हैं उसकी गलती नहीं है। मैं कहें आपकी गलती नहीं है और गलती तुम्हारी है। भाई को तुम्हारे किसने किसने मारा? भाई ने हमारे भाई को मारा अमरिंदर जेठ, ससुर ने मनई ने राजेश।